Every individual has different points of view, but they all are connected when it comes to festivals. Everyone wants to decorate and upgrade his or her home with traditional and stylish decor items, especially during festivals. Now, it is Durga Puja and Diwali just knocking at the door. Namaste and welcome. Hope you all are doing great. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस फेस्टिवल सीजन में आप ट्रेडिशनल वॉल डेकोर आइटम्स कैसे इजीली घर में ही बना सकते हैं और वो भी घर में ही अवेलेबल चीज़ों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं 3D वॉल डेकोर आइटम्स बनाने के साथ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक थिक कार्डबोर्ड। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना मनपसंद डिज़ाइन जो आप वॉल आर्ट में बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया है कलश, यहाँ मैंने एक प्रिंटआउट लिया है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। इसे आपको कार्डबोर्ड पे पेस्ट करना है और उसके बाद इसको इस डिज़ाइन का कार्डबोर्ड को कट कर लेना है। इसी तरह मैंने दूसरे कार्डबोर्ड पर डिज़ाइन ड्रॉ किया है और उसे कट कर लिया है। आई वॉन्टेड टू अपलोड दिस वीडियो ड्यूरिंग नवरात्रास, इसलिए मैंने ये दुर्गा माँ का वॉल आर्ट रेडी किया था, बट ड्यू टू सम पर्सनल एंगेजमेंट्स आई कुड नॉट डू सो। कार्डबोर्ड की एजेस को स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पर POP और ग्लू का एक पेस्ट लगा रही हूँ। एक बार एजेस स्मूथ हो जाए तो इसको आप सूखने के लिए छोड़ दें। और इसी तरह मैंने बाकी वॉल आर्ट्स में भी एजेस स्मूथ कर लिए हैं। अब मैं ले रही हूँ मोल्डेड क्ले, ये फेविकल के शिल्पकार क्ले है। ये पैकेट 20 रुपीज़ का आता है। आप कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास ईजिली अवेलेबल हो। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसको रोल करते करते ये शेप बनाऊंगी और इस शेप को मैं वॉल आर्ट के डिज़ाइन पर ग्लू की हेल्प से स्टिक करूंगी। ये क्ले कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट अगर आपको 3D इफ़ेक्ट चाहिए तो आप क्ले यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इसके ऊपर पेंटिंग भी कर सकते हैं। क्ले को पेस्ट करने के लिए ग्लू ज़रूर यूज़ करें, ये थोड़ा काम आसान बना देता है। यहाँ पर जितना मुझे डिज़ाइन चाहिए था मैंने वहाँ पर क्ले पेस्ट कर ली है, तो मेरे पास क्ले ख़त्म हो गई थी तो मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ग्लू गन यूज़ करके यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से डिज़ाइन को हाईलाइट किया है। लेट्स सी ये कितना सक्सेसफुल रहता है। इस आर्ट पीस पर भी मैंने ग्लू गन और क्ले की हेल्प से हाइलाइटिंग की है। नेक्स्ट स्टेप में हम कार्डबोर्ड को स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और ड्यूरेबल बनाएंगे। तो इसके लिए अगेन POP एंड ग्लू का पेस्ट मैंने लिया है और सभी वॉल आर्ट पर मैंने अच्छी तरह से ब्रशिंग कर दी है इस पेस्ट की। तो ये दोनों तरफ से आप देखिए, आगे और पीछे दोनों तरफ से ही अच्छी तरह से POP से आप कवर कर दें। किसी भी कार्डबोर्ड आर्ट पीस पर आप अगर POP पेस्ट अप्लाई करते हैं तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि इट विल बी वाटर रेजिस्टेंट। सेकंड, जो भी आप कलर अप्लाई करते हैं वो उभर कर बाहर आते हैं। तीसरा, आपका आर्ट पीस स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और ड्यूरेबल तो बनता ही है। नाउ आई एम टर्निंग दिस वॉल आर्ट इनटू मेटालिक वॉल आर्ट बाय यूजिंग गोल्डन ऑयल पेंट ओवर इट। नाउ आई लेट इट ड्राई फॉर फ्यू आवर्स एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सेकंड आर्ट पीस ऑफ माँ दुर्गा। दो ये एक प्रिंट कॉपी थी, बट इट वॉज टू लाइट, सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉ इट अगैन एंड यूज्ड ब्लैक एक्रेलिक कलर एंड स्केच पेन। इस पूरे आर्टवर्क में मैंने एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ किए हैं एंड यस, 3D हाइलाइटिंग के लिए यहाँ पर मैंने ग्लू गन यूज़ की है। एंड वंस द कलरिंग इज़ कम्प्लीटेड आई विल सील इट विद द कोट ऑफ वार्निश ओवर इट।
I've added mirrors to make it more beautiful. And here it is, the final look. I have mistakenly deleted the footage of this kalash making, but the entire process was same. बस मैंने यहाँ पर colors add किए हैं and उस पर golden color से highlighting कर दी थी. As I mentioned in my previous videos, these are only ideas. Our imaginations are limitless. Use it and create your own, very own masterpiece. Hope you're liking my videos. Please do like, comment, share, and do consider subscribing to show your love and support. Thanks for watching. Stay tuned till the next upload. Till then, bye-bye, take care and stay safe.